So. छोड़ो लंबी सांस लो छोड़ो वेलकम दोस्तों, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, मेरे साथ दीपक है जो कि झांसी से है। दीपक की दिक्कत है कि कमर में और गर्दन में दर्द रहता है, राइट? जी सर। बताओ अपनी दिक्कत व्यूअर्स को। सर मेरे को 1.5 साल से दर्द है ये। सर ये दर्द एक्सरसाइज करता हूँ तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। मतलब परमानेंट जा नहीं रहा है दर्द, ये हल्का इधर रहता है और ये इधर रहता है। क्या क्या करा लिया तुमने अब तक? सर मैंने फिजियोथेरेपी कराई है फिलहाल, तो उससे रिलीफ मिल जाता है, परमानेंट नहीं जा रहा दर्द। सुबह एक्सरसाइज करता हूँ तो बहुत रिलीफ हो जाता है, 2-3 घंटे के लिए रिलीफ मिल जाता है, पर ये फिर धीरे 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 फिर वैसे ही हो जाता है। अच्छा, कोई दवाई वगैरह भी खाई? हाँ, पेन किलर वगैरह लिए उससे, पर कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ नहीं है। और बैठने का काम था तुम्हारा, खड़े रहने का काम था? सर मैं बाइक चलाता हूँ, फील्ड का काम करता हूँ। अच्छा, झांसी वालों की एक और खासियत है कि वो लंच में भी समोसा खाते हैं, डिनर में भी समोसा खाते हैं, इसलिए सच बात है। हाँ सर, बाहर का तो खाना रहता है। जी सर। आज आप लेटेंगे, मैं देखता हूँ। पहले पाँव देखते हैं इनके, पाँव देखो, पाँव एक ही लेवल पे हैं, बट ये लेफ्ट वाला पाँव अंदर की तरफ मुड़ रहा है और वजन जो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा राइट वाला मुड़ रहा है, लेफ्ट वाले की तरफ आ रहा है ना। हाथ साइड में रखो, कमर ऊपर करके दिखाएंगे। ये सारा प्रेशर कमर पे ही आ रहा है, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये सारा ये यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है कि स्वेलिंग है, प्रेजेंट है। ये इतनी पत्थर हो गई है, टाइट हो गई है, और ये सारी चीज़ें भी इसके हैं। ये पोर्शन इसका उठा हुआ है, लेफ्ट वाला पोर्शन झुका हुआ है, तो इस तरह से ये पोजिशनिंग नज़र आ रही है। और यहाँ पे भी दर्द है? इस पे भी टाइटनेस रहती है। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ पहले। छोड़ो, हाँ छोड़ो, लंबी सांस लो छोड़ो। हाँ, आई आवाज, कुछ आवाज आई? थोड़ी सी आई, मेरी तरफ करवट ले लो। ये लो, पाँव मोड़ लेंगे। रिलैक्स कर लो, इजी। उस तरफ नीचे वाला पैर सीधा, नीचे वाला सीधा, नीचे इसको मोड़ लेंगे, ऐसे कर लो, इजी। बहुत अच्छे, सीधा लेटो, थोड़ा सा ऊपर जाओ। जो कैसा लग रहा है बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े होके देखो। पहले से बेटर है? बेटर है जी, है ना? अभी हल्का दर्द है। वो भी जाएगा धीरे धीरे, अभी नेक पे भी है। शाम तक और बेटर होगा, ठीक है? इसीलिए मैंने कुछ दिन के लिए तुम्हें लिखा है आने के लिए। और कोई सवाल? नहीं सर। नहीं, सो व्यूअर्स, आपने दीपक का स्टोरी देखी। आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी झांसी से हो जो ये सब चीज़ें जानना चाहता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में जाके सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल प्लीज़ करते रहिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।